हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंजलि। और मेरे लास्ट ट्रैवल व्लॉग में आपने देखा था पुणे टू महाबलेश्वर का रोड ट्रिप, जिसमें हमने महाबलेश्वर तक का सफ़र तय कर लिया था। हम महाबलेश्वर में एंटर हो गए थे एंड यस, इसी स्पॉट पे थे हम महाबलेश्वर की मार्केट में। तो आई होप आपने वो वीडियो इंजॉय किया होगा। बहुत ही ऑसम रास्ता था पुणे टू महाबलेश्वर का। एंड तो अपने आज के इस वीडियो में हम करेंगे महाबलेश्वर की सैर और मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या किया महाबलेश्वर में। तो यस, महाबलेश्वर की उस मार्केट से हम और आगे निकल गए हैं और जहां पर है फेमस शिव जी का टेंपल, वहां पर हमने होटल बुक किया है, तो हम लोग वहां पे जा रहे हैं। तो कम ऑन गाइज, ज्वाइन मी एंड प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा और आप भी मजे उठाइए महाबलेश्वर के। तो हम लोग होटल पहुंच गए गाइस और मैंने ये जो होटल का रूम है वो ओयो रूम्स के थ्रू बुक कराया था और ओयो रूम का मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का अच्छा रहा है। जब भी मैंने इसके थ्रू रूम बुक कराए हैं तो मुझे अच्छे रूम ही मिले हैं, रीजनेबल, हाइजीनिक एंड क्लीन। तो यस, ये है हमारा रूम। तो यस, होटल रूम में पहुंच के जो सबसे पहला फेवरेट काम है मेरा, बेड पे जंप करना, वो मैं कर लेती हूँ। तो काफ़ी लंबी जर्नी करके आ रहे हैं हम लोग, इसलिए बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। तो कुछ भी आगे करने से पहले, कहीं भी घूमने से पहले कर देते हैं हम थोड़ी सी पेट पूजा। हाँ, हो सकता है जाड़ों में रहती हूँ, जाड़ों टाइम। फिर जाड़ों में वो उसका क्या होता होगा, दीपक नीचे जाओ होटल थे। तो यस, खाना खाने के बाद हम लोग ने रेस्ट नहीं किया क्योंकि हम लोग महाबलेश्वर घूमने के लिए आए हैं, रेस्ट करने के तो नहीं आए हैं और वैसे भी सिर्फ वन डे का ही स्टे है। तो हम लोग निकल गए हैं अभी शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है गाइस। तो ये है वो फेमस शिव जी का मंदिर जो महाबलेश्वर में है और ये बीच में आप कुंड देख सकते हैं जहाँ पे लोग स्नान करते हैं और इसको पंचगंगा भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे 5 नदियों का पानी आके मिलता है, तो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध माना जाता है इस पानी को। तो शिव जी के दर्शन करके और मंदिर के दर्शन करके हम लोग बाहर जो स्टॉल्स लगी हैं वहाँ पे आए हैं थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। तो ऐसे कहीं पे जगह पे भी जाओ तो बाहर शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है लोकल मार्केट से। तो देख सकते हैं आप कितना सारा, कितना अच्छा सामान है और हैंडमेड है ये सारा सामान। तो इस तरह के ब्यूटीफुल से पर्सेस एंड पाउचेस मिलते हैं गाइज यहाँ पे, मैंने भी अपने लिए एक ऐसा पर्स लिया है। बहुत बारिश हो रही है गाइज, बहुत ज्यादा, आई मीन कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है कि उसने हमारा ट्रिप काफी हद तक खराब कर दिया है। इनफैक्ट हम लोग एक भी अच्छा पिक नहीं ले पाए इतनी बारिश की वजह से। एंड फाइनली वहाँ पे मंदिर के दर्शन करके, थोड़ी बहुत शॉपिंग करके, थोड़ी देर वहाँ पे रुक के चाय वगैरह पी के हम लोग वापस जा रहे हैं अपने होटल के साइड। एंड गाइज, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि रास्ते में कितना बुरा हाल था हमारा। गाड़ी के आगे इतना फॉग था कि रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। बहुत ही ज़्यादा यू नो डरावना सीन लग रहा था, लग रहा था हम किसी हॉरर मूवी के अंदर हैं। हम लोग अभी अभी शिव मंदिर के दर्शन करके आए हैं, शिव मंदिर और पंचगंगा मंदिर के दर्शन करके अभी अभी आए हैं, लेकिन बाहर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई मीन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। जब हम गए थे तब भी बहुत ज़ोरों की बारिश हुई हो रही थी और पूरे टाइम बारिश होती रही और दक्ष को भी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है ना, बहुत ठंडी लग रही है। तो हम लोग बिल्कुल ओढ़ के आराम से बैठे हैं, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि क्या हमने गलत डिसीज़न ले लिया है इतनी बारिश में आने का। वैसे तो कहते हैं कि पुणे और आसपास के जो एरियाज़ हैं ना, उसमें घूमने के लिए
मॉनसून बेस्ट सीजन है, लेकिन महाबलेश्वर के लिए हमें सोचना पड़ रहा है कि राइट डिसीजन था कि नहीं। एक्चुअली मैं इससे पहले भी दो बार महाबलेश्वर आ चुकी हूँ और दोनों बार मॉनसून में ही आई थी, एक बार जून लास्ट में और एक बार जुलाई में, लेकिन वो दोनों बार का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। बारिश हो रही थी लेकिन इतनी ज़्यादा कंटिन्यू बारिश नहीं थी उस टाइम पे, रुक रुक के बारिश हो रही थी, रिमझिम रिमझिम, बहुत अच्छा लग रहा था, सारे पॉइंट्स भी ओपन थे तो अच्छी से हमने बहुत इंजॉय किया था। लेकिन इस बार पॉइंट्स मतलब जो व्यूज देखने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं ना यहाँ पे, अभी बताती हूँ आपको, पहले अपने व्यूज को बता दूँ। लेकिन अभी इतनी बारिश में सारे पॉइंट्स भी बंद कर दिए हैं और मार्केट भी आधा से ज़्यादा मार्केट बंद है क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, तो ज़्यादातर दुकानें बंद है क्योंकि आई थिंक टूरिस्ट भी कम लग रहे हैं। तो आज वीकेंड भी नहीं है, आज थर्सडे है, तो आई थिंक वीकेंड में काफ़ी लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे और शॉप्स सारी ओपन होंगी। तो अगर आप मानसून में आ रहे हैं, मतलब हमारी लास्ट टू टाइम का एक्सपीरियंस तो सही था, तो मैं हमेशा बोलती थी कि मॉनसून महाबलेश्वर जाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इस बार हम जब से आए ना तो बहुत 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 बारिश हो रही है। इनफैक्ट अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में हमें गाड़ी के आगे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था, इतना फॉग था, इतना फॉग था, डर भी लग रहा था। रात हो गई थी, 7 बज गए शाम के और ऐसा लग रहा है कि रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ी ज़्यादा बारिश हो गई है। वैसे तो मानसून अच्छा रहता है महाबलेश्वर के लिए, लेकिन इस बार का हमारा एक्सपीरियंस अभी तक तो बहुत अच्छा नहीं है। आज ही हम अभी एक तो बारिश की वजह से बहुत स्लो ड्राइविंग करनी पड़ी, तो हमें पहुँचते पहुँचते यहाँ पर 3 बज गए थे और फिर होटल ढूंढने में भी हमें बहुत टाइम लग गया इधर, तो 4 बजे हम होटल रूम में पहुँचे। उसके बाद ऑलरेडी शाम हो गई थी तो फिर अभी निकले थे उसी मंदिर में, एक टेंपल के दर्शन नहीं कर पाए, पॉइंट्स सारे बंद है, इतनी बारिश हो रही है, पॉइंट्स में जाएंगे भी कैसे। लेकिन फिर भी अगर आप मॉनसून में महाबलेश्वर आ रहे हैं तो बहुत सारे कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो वूलेंस लेके आइए, अपने लिए तो लाना ही लाना है, स्पेशली बच्चों के लिए तो ध्यान से लाइए। हम दक्ष के लिए देखो स्वेटर वगैरह लेके आए हैं, मैंने भी अपने लिए रखे हुए वूलेंस पहने। अभी रेनकोट ज़रूर कैरी करिए क्योंकि बारिश होगी तो आप अम्ब्रेला से भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे, पैर और नीचे का पोर्शन तो पूरा अम्ब्रेला से भीग जाता है। तो प्रॉपर रेनकोट रखिए तभी आप अच्छे से जो भी मार्केट है या जहां आपको जाना है आप अच्छे से घूम पाएंगे। लेकिन आज मार्केट बिल्कुल आज मौसम बिल्कुल भी नहीं खुला था, तो फोटो वगैरह फोटो शूट कराने के लिए भी आज बिल्कुल अच्छा दिन नहीं था। तो इतनी ज़्यादा बारिश में आप आएंगे तो आप महाबलेश्वर के पूरे मज़े नहीं ले पाएंगे, तो आई थिंक अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये टाइम ज़्यादा सही रहेगा महाबलेश्वर आने के लिए। और देखते हैं, मे बी कल मौसम थोड़ा सा खुले, थोड़ा सा हम कुछ पॉइंट्स कवर कर पाएँ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग थक गए हैं, सुबह से गाड़ी में थे और दक्ष भी थक गया है, तो अभी हम डिनर करेंगे और उसके बाद रेस्ट करेंगे और कल मॉर्निंग में देखते हैं क्या प्रोग्राम होता है। तो दक्ष थोड़ी देर टीवी देख रहा है, तो मैंने सोचा इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करना चाहिए, इसलिए मैं आ गई हूँ मार्केट में। ऑल दो बाहर बहुत बारिश है, मार्केट शॉप्स काफ़ी कम ओपन है, लेकिन जितने भी खुली है, अगर महाबलेश्वर आए और महाबलेश्वर की मार्केट में ना घूमे तो क्या फ़ायदा है गाइस। महाबलेश्वर की जो ये मार्केट है, वैसे तो यहाँ पे सब कुछ ही मिलता है लेकिन ये फुटवेयर्स के लिए बहुत जानी जाती है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के फुटवेयर मिल जाते हैं आपको। तो आप खुद ही देख सकते हैं गाइस कि कितनी जोरों की बारिश हो रही है, तो आप खुद ही बताइए ऐसी बारिश में क्या महाबलेश्वर घूमना और शॉपिंग करना पॉसिबल है। जो भी आप मेकअप करेंगे वो सारा पानी में धुल जाएगा, जो भी आपकी ब्यूटीफुल सी ड्रेसेस हैं वो सारी खराब हो जाएंगी। मैं पहले 2 बार ही थी गाइस यहाँ पे, तो मार्केट इतना अच्छा लग रहा था, इतने ज़्यादा टूरिस्ट थे, इतनी चहल पहल थी और बहुत अच्छा लगता है ये मार्केट। फिर भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की यहाँ से और दक्ष के लिए एक सॉफ्ट टॉय भी लिया है। तो अब हो गई है मेरी शॉपिंग और मैं वापस जा रही हूँ रूम पे। तो महाबलेश्वर तो हम ज़्यादा नहीं घूम पाए गाइज, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हमें निकलना था, तो बारिश की वजह से इस बार का ट्रिप इतना अच्छा तो नहीं रहा।
बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा पाई, यहाँ के पॉइंट्स नहीं दिखा पाई, लेकिन जैसा भी लगा होगा आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी पंचगनी के कुछ पॉइंट्स, क्योंकि रिटर्निंग में हम लोग पंचगनी रुके और वहाँ के कुछ पॉइंट्स कवर करे और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो पॉइंट्स। तो जब भी आप महाबलेश्वर आए पंचगनी ज़रूर जाएँ, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी योर सेल्फ। बाय।